हेलो पीपल, आज की कहानी का नाम है बचपन, जिसे लिखा है कृष्णा सोबती ने। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूँ, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। दो ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते, जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क आ चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम भी ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटी में बदल गए हैं, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमोनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर।
कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी, कसमल, सोच कर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई उस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला पुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी भी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियों नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह एक दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा,
देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिझी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो आई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही देखती रही। सूरत बनी लंगूर की? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ वह सहज सहल सुभीती वाली हिमाचली टोपियाँ।